हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है वृंदावन की सीटिया। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए कहानी सुनते हैं। एक संत थी, वे एक बार वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से सली। वृंदावन सुबह से सली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गए। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, बहुत भूख भी लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे तक रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा कि लड्डू में सीटी लगी हुई थी। उन्होंने सीटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए, बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांटूंगा, ये सोचकर सो लिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत जमाना, बेचारे को लड्डू से अधिक उन सीटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये सीटें वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं, बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए, कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था, अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया, नहीं मुझे वापस जाना होगा, ये सोचकर संत ने उन सीटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रख दिया और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज सीटियों लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तलवा लो। सठ ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रख गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया और रोने लगा था। इधर संत की आंखें भी गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्णा की राजधानी की है। मुझे तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। जब भी घर से बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो ऐसे और भी स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, राधे राधे।